कि दुख तो अनिवार्य है भला, ये मन की व्यथा तो होने ही वाली है। ये तन की चादर ओढ़ा जा, समुद्र की नाव तो डोलती जाएगी, तू हंसता रहे या तू रोता रहे, कोई भी नैया समुद्र में स्थिर रह ही नहीं सकती मेरे भाई। ठीक उसी प्रकार से आपके जीवन में व्यथा होने ही वाली है, त्रिविध ताप तो होने ही आएगा ही, इट इज पार्ट ऑफ लाइफ, आप उसको स्वीकार कर लो। जिंदगी का एक अर्थ होता है समझौता मेरे भाई। मानव जिस दिन समझौता करना सीख जावे ना, तो फिर वो चिंता नहीं रहती इतनी, वो फरियाद नहीं करेगा। दुखी ते मनसी सर्वम असह्यम, जिसके शास्त्र कहते हैं कि जिसके जीवन में दुख आवे उसके लिए हर एक चीज असह्य हो जाती, असह्य माने अनबेरेबल, छोटी छोटी बात में फिर वो चिड़चिड़ा भी हो जाता है, किसी लड़ पड़ते हैं कि झगड़ा हो जाता है, या शारीरिक बीमारी हो तो फिर वो दवाएं खाना शुरू हो, तो ये जिसके जीवन में दुख आवे स्वास्थ्य एक हो सकता है, बाकी बीमारी बहुत होती है। सुख एक है, दुख किसी को इसमें हो रहा है, किसी को इसमें हो रहा है, किसी को इसमें हो रहा है, बहुत बताए हैं। एक तो बुढ़ापे में पत्नी को मर जाना, ये दुख है। ओ भाई, वो तो जिसके जीवन में जो रह गए उसको पता होगा, सारी जिंदगी जो उन्होंने सब सेवा करी सब कोई, फिर जब अकेला बेचारा बूढ़ा हो जाता है, फिर बहू इधर से उधर, एक कुत्ते को रोटी खिलावे तब उसको बुलावे उसी तरह, ले भाई भाई खाना खा ले, तो बोल नहीं सकता फिर।